हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हिंदी लैंग्वेज का सबसे पहले हम पेपर डिस्कस करेंगे, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और यदि आप इनको देख लेते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो पेपर होगा किस तरह से आएगा, इसी बेस पर आपका भी पेपर आएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा कैसे रहेगा, आपका एग्ज़ाम पैटर्न कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। और अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, हम जो लैंग्वेज का जो पेपर होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश आप चूज कर सकते हो, तो सबसे पहले हम हिंदी का जो पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हिंदी में आपके जो 50 क्वेश्चन होंगे वो भी 50 अंक के आपके होंगे, और जो बी आपका पेपर होगा सामान्य ज्ञान और रीजनिंग का, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे वो भी 50 अंक के, और जो भाग टू होगा उसका उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे और एक आपका ऑप्शनल पेपर आपका आएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको खुद भी ट्राई करना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको पर्यायवाची आपको चूज करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है केतु का पर्यायवाची, इसमें से आपको कौन दिखाई दे रहा है, तो धूम केतु होगा या डंडा होगा या पताका होगा या नक्षत्र होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पताका, केतु का पर्यायवाची पताका होगा। और सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गति का पर्यायवाची शब्द आपको ये चूज करना है कौन सा इसका पर्यायवाची होगा। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो आपका चाल होगा, गति का पर्यायवाची शब्द। तो अब थर्ड क्वेश्चन है कनिष्ठ, कनिष्ठ का पर्यायवाची क्या होगा, श्रेष्ठ होगा, छोटा होगा या अग्रज होगा, पूज्य होगा। तो इसका राइट आंसर होगा छोटा, कनिष्ठ का पर्यायवाची छोटा होगा। अब जो नीचे हैं इसमें प्रत्येक समूह के 3 शब्द पर्यायवाची हैं और 1 शब्द बेमेल है, यानी आपको इसमें ऑड एंड आउट आपको चूज करना होगा। इन चारों में से एक जो अलग होगा वो आपको चूज करना है। तो इसमें आपका क्या होगा, तो सबसे पहला ये जो ऑप्शन है इसमें कांता वो इसका राइट आंसर होगा, और सेकेंड क्वेश्चन 5वां नंबर का इसमें लौ, दीपशिखा और लगन और लपट, इसमें कौन अलग आपको दिखाई दे रहा होगा। तो लगन इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अलग है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं छठे में। तो जो अब आपको इसमें विलोम शब्द आपको चूज करने हैं, तो अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा, अनिवार्य का विलोम शब्द होता है वैकल्पिक। आप बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है उन्मूलन, इसका विलोम शब्द क्या होगा, ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका जो विलोम शब्द होगा रोपण, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आप 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं निंदे का विलोम शब्द आपको चूज करना है, तो निंदे का विलोम शब्द होगा वंद्य, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपको इसमें जो भी आपके नीचे क्वेश्चन है इसको आपको जो भी आपको जो शुद्ध आपको दिखाई दे रहा है, जो भी करेक्ट वर्ड है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे शुश्रूषा को कैसे लिखेंगे, तो इसका जो सही ढंग रहेगा जो लिखने का, तो ये होगा शुश्रूषा ऑप्शन नंबर बी, इस तरह हम इसको लिखेंगे। और 10वां क्वेश्चन है गरिष्ठ, गरिष्ठ और गरिष्ठ और गरिष्ठ, इसको कैसे लिखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको इस प्रकार लिखा जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अंतर्धान को कैसे लिखेंगे, तो सभी लोग पहले देख लो इस क्वेश्चन को। तो अंतर्ध्यान को हम लिखेंगे इस तरह, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब आपको नीचे जो भी क्वेश्चन है इसमें आपको अलंकार आपको देखने हैं, कौन सा इस वर्ड में आपके जो अलंकार हैं वो होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते 12वें क्वेश्चन की ओर, इसका उदित, उदय, गिरि, मंच, पर, रघुबर, बाल, पतंग, तो इसमें कौन सा आपको दिखाई दे रहा है अलंकार, ऑप्शन नंबर ए उपमा। और दोस्तों, यदि आपको अलंकार की वीडियो आपको चाहिए होगी जिसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सारे अलंकार आपको पढ़ा देंगे, जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे उसको आपको करने में बहुत आसानी होगी। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम जल्दी से जल्दी हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो अपना जो रिस्पॉन्स होगा वो आप देना, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब अगला क्वेश्चन है जय रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करो,
बड़े अंधेरे होए, तो इसमें आपको कौन सा अलंकार दिखाई दे रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा श्लेष अलंकार, इसमें दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रस और स्थायी भाव यदि आपको पढ़ने होंगे तो आप हमें बता देना, तो हम उस पर भी एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। जो भी वो क्वेश्चन होंगे आपके वहीं से आएंगे। तो इसका जो क्रोध का जो स्थायी भाव होता है वो रौद्र आपका होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय का सही संधि विच्छेद, अन्वय को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनु धन आई। और 16 क्वेश्चन है, मतैकिक में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि इसमें होगी। और 17 क्वेश्चन है, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? तो जिसमें वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो तो उसको हम कहेंगे मुक्त छंद। अब 18 से 42 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपको 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से आपको सही उत्तर आपको देखना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ये ग्रंथ का नाम? तो उनका जो ग्रंथ था वो था हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद बरदाई द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम? तो उनके द्वारा जो लिखा गया ये ग्रंथ था वो था पृथ्वीराज रासो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि नहीं थे, कौन नहीं थे? तो ये सूरदास जो थे ये निर्गुण भक्ति धारा के नहीं थे। अब नेक्स्ट 22 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें आपको हृदय का प्रतीक आपको बताना है, जो ऊपर पंक्तियाँ हैं। तो इसमें जो हृदय का प्रतीक है वो सिंगल को कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य नहीं थे, तो इनमें से कौन नहीं थे? तो जो रामानंद थे वो वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक नहीं थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24, हिंदी साहित्य के सन 1643 से 1843 के काल को क्या कहा जाता है? तो इस बीच के काल को रीतिकाल कहा जाता है। और 25 क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रीति निरूपण। 26 क्वेश्चन है, अंधेर नगरी के रचनाकार हैं? तो अंधेर नगरी के रचनाकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। 27 क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंड मार्दंड का प्रकाशन वर्ष है? तो जो इसका प्रकाशन वर्ष था 1826 था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 28 क्वेश्चन है, छायावाद का प्रारंभ माना जाता है? तो जो छायावाद का प्रारंभ है वो प्रसाद के झरना से माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29, तो जो उपरोक्त आपको ये पंक्तियाँ दिख रही है इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो इनकी रचना थी रश्मि रथी। 31 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के छायावाद की कालावधि है? तो इसका राइट आंसर है 1918 से 1938। 32 क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के मुख्य भेद हैं? तो इसके मुख्य भेद हैं 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह एक स्थायी भाव है, तो यह वीर रस का स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव के लिए यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। 34 क्वेश्चन है, तो जो ऊपर आपको ये पंक्ति दिख रही है इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है? तो इसमें जो लाटानुप्रास अलंकार है वो प्रयुक्त किया गया है। 35 क्वेश्चन है, जो ऊपर की ये पंक्तियाँ हैं इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। तो देखो दोस्तों, अलंकार पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अलंकार वाला जो टॉपिक होगा वो आप अच्छे से पढ़ लेना, और यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ना होगा तो आप हमें बता सकते हैं। अब 36 क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है? तो इसमें जो छंद है वो सवैया छंद है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 37 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा से तात्पर्य है? तो जो हिंदी भाषा है वो उत्तर भारत के मध्य भाग तथा मध्य देश की भी भाषा है, और नागरी लिपि में लिखी जाने वाली खड़ी बोली भी है। तो ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर होगा।
38 क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों की संख्या। तो जो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ आती हैं, और 39 क्वेश्चन है भोजपुरी एक बोली है। तो जो ये भोजपुरी है बिहारी बोली है। और 40 क्वेश्चन है उजला एक, तो उजला एक तद्भव शब्द होगा। 41 क्वेश्चन है कृतज्ञ उसे कहा जाता है जो किया हुआ उपकार नहीं मानता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 42 क्वेश्चन है संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का पद कब प्रदान किया गया। तो 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का पद प्रदान किया गया। अब जो नीचे के क्वेश्चन है इसमें आपको मुहावरे देखने, तो आकाश कुसुम होना, तो इसका अर्थ क्या होता है असंभव बात का होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 44 क्वेश्चन है बहती गंगा में हाथ धोना, तो बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना, ऑप्शन नंबर डी। अब 45 क्वेश्चन है दशरथ का वचन है, तो इनका जो वचन है वो है अटल प्रतिज्ञा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास ओटना, तो कपास ओटना का अर्थ होगा व्यर्थ का कार्य करना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको जो नीचे विकल्प हैं इनको आपको चयन करना है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को आधुनिकीकरण कहेंगे हम। 48 क्वेश्चन है वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि के मध्य में है तो उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। अब 49 क्वेश्चन है जिज्ञासा, तो जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है जानने की इच्छा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन है गंतव्य का इसका अर्थ क्या होगा। तो गंतव्य का अर्थ होता है लक्ष्य, जहाँ जाना हो, जहाँ हमको जाना होता है उसे ही हम गंतव्य कहते हैं। तो दोस्तों जो हिंदी के जो क्वेश्चन थे 50 वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं उसके आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड करे जाएंगे। तो वो वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि जैसे हम कोई नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।